बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। प्यारे दोस्तों साथियों, आज एक दफ़ा फिर मैं एक ऐसी फैमिली के पास हूँ, जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारा फोकस हमारी वो बहनें हैं जो बेवा हो चुकी हैं और जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, जिनको उनकी निगहदाश्त करने में बहुत दिक्कत और परेशानियाँ आ रही हैं। तो उनके लिए हम निकलते हैं रोज़ाना, हमारी कोशिश होती है कोई ऐसी फैमिली को अप्रोच करें जो डिज़र्व करती हो। तो ऐसी ही ये ख़ानदान है, ऐसी ही ये फैमिली है, ये हमारी बहन बैठी हैं, तो इनसे जो है ना बात करते हैं। ये पीछे इनके बुज़ुर्ग बैठे हैं, ये ससुर हैं, ये बेचारे बीमार हैं और उनकी सास बैठी हैं इस बहन की। तो इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, इन बच्चों के क्या क्या मसाइल हैं और इनके हम कौन कौन से मसले हल कर सकते हैं, तो बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। क्या हाल है बहन? ठीक है जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना बीबी, आपके खावंद का क्या नाम था? कालू खान। कालू खान, क्या हुआ कालू खान को? कालू खान को दम्मा है वाला, टीबी थी है दांत। अच्छा, पहले दम्मा था फिर टीबी हो गई। जी है वाला, फेफड़े का मसला हो गया। अच्छा, फिर फेफड़ों का मसला हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? ये चार। तीन बेटे हैं और एक बेटी है। जी। अच्छा, इनमें से कोई बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल जाता है? जी, को हाल का नहीं मेरी। अच्छा जी हाँ। तो कितने साल हो गए कालू खान को फौत हुए? जी ये 18 तारीख को, 4 साल थे वे पूरे। यानी इस 18 तारीख को 4 साल पूरे हो जाएंगे? जी है, ये दूसरे महीने दी 18 तारीख को 4 साल पूरे थे वे सर। ठीक है मेरी बहन। अच्छा, क्या करते हैं आप, कैसे अपने बच्चों का गुजारा करते हैं? ऐसा कमा चलने आए, आगे भी चलने आए, बाल रोजी करनी है। ठीक है जी हाँ, आग बेचानी तो शाम को सौदे गी तो बाले को खवाया। अच्छा जी हाँ, ठीक है। तो अच्छा, अब मेरी बहन अगर रहे नहीं है, राड़ का पेनी है। जी जी, निके बच्चे को खवे नहीं है, ये तो कोई कह नहीं मेरा सिवा खुदा दे रे वाला पे के नो वरी बहन यो एक दे रे ये अपनी फैमिली को खवावे, मैं जब खवावे जी हाँ भैया, कोई कह नहीं, आप करे नहीं है तो खाने हैं चले जी हाँ। तो अच्छा, अगर आपको कोई कारोबार करवाया जाए, कोई ऐसा काम कर सकती हैं जिससे कोई कपड़े सी सकता, सारी मशीन का है नहीं, कपड़े सिलाई कर लेती जी हैं? अच्छा, तो भी सारे बच्चे मेरे दूध कितने परेशान हैं, दूध वास्ते जी हाँ। अच्छा बस चले ठीक है जी हाँ, कहीं हवेली कहीं कोठा कैसे फर होता और डिवाइस सारी यह कच्ची कोठी है भाई। अच्छा जी हाँ, अमीन का। हाँ ठीक है। तो मेरे भाइयों, ये हमारी जो बहन है ये बता रही हैं कि इसके खावंद का नाम कालू खान था और 4 साल हो गए उसको फौत हुए। 4 साल हो गए, 18 तारीख को 4 साल हो जाएंगे। उनको दमा हुआ और इसके बाद फिर टीबी हुई, फिर फेफड़ों के कुछ इश्यूज आए जिसकी वजह से वो शख्स अल्लाह को प्यारा हो गया, और जाहिर सी बात है इन्होंने उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाए होंगे क्योंकि इनके पास उसके अखराजात नहीं थे। तो इनका एक देवर है जो इनकी थोड़ी बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन उसके अपने बच्चे हैं। एक देवर है, वो ख़ुद गरीब है, उसके 5 बच्चे अपने हैं, और वो थोड़ी बहुत अपने वालदैन की भी जो टेक केयर है वो कर सकता है। लेकिन अब इस बहन के लिए इश्यूज़ क्या हैं कि ये कहती हैं कि ये कपड़े वगैरह सिलाई कर सकती हैं, अगर कोई ऐसे रोज़गार का बंदोबस्त हो जाए जिससे ये रोज़गार कमा सकें अपने बच्चों की कंडीशन हम सबके सामने हैं। इन बेचारों के पास कपड़ों की ये हालत है, फटे पुराने पहने हुए हैं, ये यतीम और मस्कीन बच्चे हैं। तो अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। ये जो पीछे बुज़ुर्ग बैठे हैं आपको नज़र आ रहे हैं हमारे बुज़ुर्ग, इनकी कंडीशन ये है कि ये कहते हैं कि ये सारी रात वो बैठे रहते हैं, सो नहीं पाते, पता नहीं इनके क्या इश्यूज़ हैं, चल फिर भी नहीं सकते। इनके पास एक छोटा सा फ्रेम है जिसकी वजह से अगर कोई कभी आसरा लगा कि इनको खड़ा कर दे तो तब वो थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं। तो ये इस फैमिली की कंडीशन है। इस फैमिली की कोई, मैंने घर की देखा है कि कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, चार दीवारी नहीं है, इस घर में भी वाशरूम तक नहीं है। तो बहरहाल देखें कि जिस शख्स के घर में वाशरूम ना हो, जो एक बेसिक नीड है, हर फैमिली की ज़रूरत है, तो उसकी गुर्बत का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि एक ज़रूरत की चीज़ जिस घर में वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं आपके साथ इस फैमिली का नंबर शेयर कर दिया है वीडियो में, आप लोग इस फैमिली से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इनकी जो भी हेल्प हो, कोई भी हमारी बहन और भाई करना चाहे तो इनसे कर सकता है। फैमिली में इस बहन का जो खावंद है उसका डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए गए हैं। तो आप लोगों ने मज़ीद कोई वेरिफिकेशन करनी हो, हमसे कोई मालूमात लेनी हो, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। अगर किसी शख्स ने इस फैमिली से अप्रोच करनी है तो आप बेहतर यही होगा कि आप इनसे अप्रोच करें, इनकी जो भी हेल्प कर सकते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर और इन छोटे छोटे यतीम बच्चों की खातिर अगर कोई शख्स करना चाहे।
इस बच्चे ने अपने वालिद को भी नहीं देखा, ये वो बच्चा है इन अबू मुल्तान है दाखिल है जी। वालिद मर था फौत है क्या ना उन्हें एक उठे ना ही अब आप पर नहीं 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 आप दोबारा बताएं कि इस बच्चे ने अपने वालिद को नहीं देखा। नहीं देखा एक दिन जिम्मे वालिद मेरे अबू फौत है और मुल्तान निस्तर अस्पताल है। अच्छा और वालिद मेरे शाम को ना इन्हें अबू उठे ना अबू इन्हें को उठे। देखें कैसी औलाद के लिए कितना कर्ब होता है, जब एक बच्चा बड़ा होगा तो उसके जहन में हमेशा ये बात रहेगी कि मेरा वालिद कैसा था। इस बहन के बकौल ये है कि इस बच्चे ने अपने वालिद को देखा नहीं है, जिस दिन ये पैदा हुआ उस दिन इसका वालिद आखिरी सांसें हॉस्पिटल में ले रहे थे और ना बाप ने अपने बेटे को देखा ना बेटे ने अपने वालिद को देखा। तो इस तरह के सीन हैं। अल्लाह ताला हम सब को हमारी सब माओ बहनों की परेशानियों को दूर फरमाए और जो हमारी बहनें बेवा हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर फरमाए। तो किसी ने भी इस फैमिली को अप्रोच करना हो आप इजीली इस नंबर पर रब्ता करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके मसले कम कर सकते हैं। अच्छा मेरी बहन परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला ने आपको इस मुसीबत में रखा है तो अल्लाह ताला ये इस परेशानी से निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ये हमारी एक माँ जी हैं नार्वे से, उन्होंने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है 5000 रुपये के। इन बच्चों के आपने कपड़े बनाने हैं और कुछ भी नहीं करना, बाकी इमदाद भी अल्लाह ताला की तरफ से आएगी। आपने अपने लिए अपने इन छोटे बच्चों के लिए इन यतीम बच्चों के लिए ये छोटे मासूम बच्चों के लिए आपने इनके कपड़े लेने हैं मेरी बहन। ठीक है इनके अपने इंशाल्लाह इसमें पूरे हो जाएंगे, बाकी जो भी अल्लाह ताला की तरफ से होगी आपकी अमानत इंशाल्लाह आप तक पहुँचेगी। आपसे सिर्फ हमें दुआएँ चाहिए, इस माँ जी के लिए भी आपने दुआएँ करनी है और हम सब के लिए, सिर्फ हमें आपसे दुआओं की रिक्वेस्ट है और हमारा कोई आप पे एहसान नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बहनों और भाइयों जो लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।